मुंबई पुलिस ने पकड़ा सलमान खान के घर पर फायरिंग करने वाले दो आरोपियों को मुंबई से भागने में हुए नाकाम। जी हां, बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के घर पर हुए फायरिंग मामले में मुंबई पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है। मुंबई पुलिस ने सुपरस्टार सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग की घटना को अंजाम देने वाले दो आरोपियों को धर दबोचा है। मुंबई पुलिस के एक बड़े अधिकारी ने इस बात की जानकारी मीडिया को दी, जिसके हिसाब से सलमान खान के घर पर हमला करने वाले दोनों आरोपियों को मुंबई पुलिस ने 24 घंटों के अंदर गुजरात के भुज से गिरफ्तार कर लिया है। इनमें से एक का नाम सागर है। सागर 21 साल के हैं, जबकि विकी गुप्ता 24 साल के। बता दें, ये दोनों आरोपी बिहार के चंपारण में रहने वाले हैं, जिन्होंने मुंबई आकर लंबे समय तक सलमान खान के घर पर फार्म हाउस की रेकी करने के बाद इस घटना को अंजाम दिया था और अब आरोपियों की तस्वीर सोशल मीडिया पर जारी कर दी गई है। बता दें, मंगलवार को कोर्ट में दोनों की पेशी है। फिलहाल दोनों से पूछताछ किया जा रहा है, लेकिन बता दें, इस घटना के बाद फैंस का सपोर्ट पूरी तरह से सलमान खान के साथ है। तभी तो सलमान खान के किए पोस्ट पर फैंस कर रहे हैं तरह तरह के कमेंट। वेल, इस पर क्या है आपका रिएक्शन, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।